हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्क्वेयर स्टडीज़। यहाँ हम कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है टैलकॉट पार्सन। टैलकॉट पार्सन वाज एन इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट बोर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1979। इनके वर्क्स यहाँ लिखे हुए हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इसके अंदर ये सोशल एक्शन की बातें करते हैं। केम आउट इन 1937 द सोशल सिस्टम एंड टूअर्ड जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन पब्लिश इन 1951। एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1949। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी 1960। सोशल एक्शन थ्योरी बिगिन विद बायोलॉजिकल सोशियोलॉजी। ये बायो सोशियोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ स्टडीज द यूनिट एक्ट। यूनिट एक्ट की हम बातें की जाती हैं। एन एक्ट इज ऑलवेज अ प्रोसेस इन टाइम। कोई भी एक्ट है वो एक टाइम के अंदर ही प्रोसीड हो। उनके ये तीन टाइप बताते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव और मोरल। मोरल के अंदर हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं, जिसे हमें सिखाया गया कि पैर छूना बुजुर्गों के, दैट इज मोरल। इंस्ट्रूमेंटल्स के हम मशीन्स के थ्रू जो काम करते हैं। एक्सप्रेसिव, इसके अंदर हमारे इमोशनल एक्शंस आएंगे, हमारे भावात्मक पहलू आएंगे। अकॉर्डिंग टू ये जो सोशल एक्शन थ्योरी के लिए ये टैलकॉट पार्सन दो सोशियोलॉजिस्ट से मोटिवेट हुए थे। फर्स्ट इज मैक्स वेबर फॉर माइक्रो एंड सेकेंड इज एमाइल दर्खाइम फॉर मैक्रो। मैक्स वेबर से ये टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस का कंसेप्ट लेते हैं। ये तीन तरीके के मोटिवेशंस बताते हैं, कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेल्युएटिव। और एमाइल से ये तीन तरीके की वैल्यूज की बातें करते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, अप्रिशिएटिव, थर्ड इज मोरल। इधर हम बातें करते हैं इंडिविजुअल की, यानी कोई व्यक्ति। मानो आज की सोसाइटी फिट एंड फाइन पर्संस को ही ज्यादा पसंद करती है, तो उसके लिए हमारा क्या है, एक गोल है कि हमें फिट एंड फाइन होना है। उसके लिए हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं और बाद में उनको इवेल्युएट करते हैं। लाइक कोई कोई पर्सन हैवी डाइट करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, दैट इज इवेल्युएटिव। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आएंगे इवेल्युएटिव के अंदर आएंगे। कॉग्निटिव, अप्रिशिएशंस एंड मोरल्स, यहाँ बातें की जाती हैं वैल्यूज की, हमारे मूल्यों की। कुछ चीज़ें जो हैं हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मोरल एक्शन के अंदर की, बुजुर्गों के पैर छूना पहले, दैट इज रेगुलेशंस की। मतलब पहले हमें ये रेगुलेशंस थे कि बुजुर्गों के पैर छूना है, लेकिन अब ये हिंदुइज्म यानी कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। ये स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन की भी बातें करते हैं टैलकॉट पार्सन। स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन की बातें करते हैं, प्रिमिटिव, आर्काइक और मॉडर्न। प्रिमिटिव में हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी आएगी। आर्काइक में हमारी नॉलेज ऑफ राइटिंग वाली सोसाइटी आएगी। और मॉडर्न के अंदर आएगी नॉलेज ऑफ लॉ। इसके अंदर हम लॉज वगैरह को जो है फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये मॉडर्न सोसाइटी, आर्काइक सोसाइटी एंड दैट इज प्रिमिटिव सोसाइटी। ये तीन तरीके की फिलोसफीज की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रियलिज्म वर्सेज आइडियलिज्म, रियलिज्म वर्सेज नॉमिनलिज्म, आइडियलिज्म वर्सेज मटेरियलिज्म। जो मैंने आपको सोशल एक्शन के बारे में बताए थे, सोशल एक्शन अब चीजें ऐसी हो गई हैं कि मतलब मानो इसको फॉलो करते हैं मैक्स वेबर और एमाइल दर्खाइम। इसके अंदर ये कंफ्यूजिंग पैटर्न आ गया था, इसलिए इन्होंने पैटर्न वेरिएबल दिए, अफेक्टिव वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का। इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती है किसकी, इमोशनल कंपोनेंट्स की। डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी, यानी रेंज ऑफ डिमांड्स एक्सपेक्टेड इन रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स की हम बातें करते हैं। यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरलिज्म, यानी कोई चीज जो है एक बंदे से ना मानकर वो यूनिवर्सलाइज जिसके ऊपर अप्लाई की जाती है उसकी बातें की जाती है। अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन एंड कलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन, इसके अंदर आएंगे एक्शन डायरेक्टेड एट अ पर्सन और कलेक्टिविटी। अब इनके हम एक फेमस मॉडल की बात कर लेते हैं, दैट इज एजिल मॉडल। हेयर वी डिस्कस अबाउट द एजिल मॉडल। एजिल मॉडल की हाँ फुल फॉर्म
हर वर्ड का जो है अपना एक अलग मीनिंग है इसके अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है यूजीसी नेट के अंदर। अडेप्टेशन स्टैंड्स, ए स्टैंड्स फॉर अडेप्टेशन, आई मेंशन हियर ऑलरेडी। अडेप्टेशन यानी कोप विद एनवायरमेंट एंड सिस्टम। माना कि हम जैसे इंडियंस हैं, हम एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, यदि हमें जाके अंटार्कटिका फेंका है कोई, तो हम वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें, ठीक है। दैट इज अडेप्टेशन गोल। हर एक्टिविटी का जो है एक गोल होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन की बात सोसाइटी में की जाती है कि आप कोई भी करियर करें उसके अंदर आपको इंटीग्रेट होना मस्ट है। अडेप्टेशन आई डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। गोल द नीड फॉर ऑल सोसाइटी टू सेट अ गोल टुवर्ड विच सोशल एक्टिविटीज डायरेक्टेड, जिसके अंदर जो है सोसाइटल एक्टिविटी हम डायरेक्ट करते हैं वो गोल के अंदर आएंगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन द कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेशन स्टैंड्स फॉर यूनिटी। ओके, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट होगी किसके अंदर, पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम के अंदर। लेटेंसी, इसको हम पैटर्न मेंटेनेंस भी बोलते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ बेसिक पैटर्न्स ऑफ वैल्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन द सोसाइटी। ये सपोर्टर रहे हैं, जो टेलकट पर्सन रहे हैं वो हमारे मॉडर्निटी के सपोर्टर रहे हैं और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ के काफी सपोर्टर रहे हैं। ही सेज दैट ही वॉज अ स्टॉन्च एंटी कम्युनिस्ट, एज आई से अबाउ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ के सपोर्टर रहे हैं। सो दैट इज अ स्टॉन्च ऑफ, ही वॉज अ स्टॉन्च ऑफ एंटी कम्युनिस्ट। इनका जो हेयर आई डिस्कस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, नाउ आई डिस्कस इवोल्यूशनरी थ्योरी के सब प्रोसेसेस। फर्स्ट इज डिवीजन, विच क्रिएट फंक्शनल सबसिस्टम फ्रॉम द मेन पार्ट्स। यानी हम किसी भी बड़े सिस्टम को उसके जो सब सब सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवीजन एंड अडेप्टेशन, उसके अकॉर्डिंग अडप्ट करते हैं। यानी वो अडेप्टेशन वाला मैं आपको टॉपिक पीछे क्लियर करवाया है कि वेहर द सिस्टम इवॉल्व इनटू मोर एफिशिएंट वर्जन्स। नेक्स्ट आता है इसका सब प्रोसेस के अंदर इंक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स प्रीवियसली एक्सक्लूड फ्रॉम द गिवन सिस्टम। एंड लास्ट इज जनरलाइजेशन, means that generalization of values increasing the legitimations of ever more complex system. Next concept हम इनका लेते हैं sick role. Sick role is a concept that concern the social aspects of becoming. Social aspects किसके, of becoming ill and privileged. And obligations that's come with it, ठीक है। ये हो गया इनका सिक रोल। मैंने इनके काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स को कवर करवा दिया, इनकी फिलोसफीज, स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन, इनके वर्क, सोशल एक्शन थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी के सब प्रोसेसेस, व्हाट इज सिक रोल, पैटर्न वेरिएबल्स, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स, एजिल मॉडल करवा चुकी मैं इनका। एजिल मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है भाई ये। अडेप्टेशन जी फॉर गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, और ये होमोस्टेसिस एंड साइबरेंटिक्स के पॉइनर रहे हैं। होमियोस्टेसिस एंड साइबरेंटिक के पॉइनर रहे हैं। होमियोस्टेसिस इज द टेंडेंसी टुवर्ड अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स स्पेशली मेंटेन बाय साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा हम हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को क्या है जो मेंटेन करते हैं। सोशल एक्शन तीन तरीके के होते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और मोरल। सोशल एक्शन जो ये हमारे टेलकट पर्सन है, दो थिंकर से काफ़ी मोटिवेट हुए थे, फर्स्ट इज मैक्स वेबर एंड सेकंड इज इमैनुअल दुर्खाइम। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इनके जो मोटिवेशंस थे, दैट इज कॉग्निटिव, कैथेटिक और इवेल्युएटिव। वैल्यूज थी जो इमैनुअल दुर्खाइम के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव, एप्रिशिएटिव एंड मोरल। If guys you like my content, then please share and subscribe our Stair Studies. Thank you and have a nice day guys.